नमस्कार दोस्तों, मैं राम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर स्टॉक गुरु में। दोस्तों, हम जिस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे उसका नाम है सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड। तो जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब स्टॉक ट्रेड हो रहा है 9.25 रुपीज़ पे। ले जाते हैं आप लोगों चार्ट पे, वहाँ पे चेक करेंगे इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। इस स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया है वो दिया है -91.27%, 5 ईयर्स में रिटर्न दिया है -91.27%, 1 ईयर रिटर्न दिया है 172.06%। पिछले एक सालों में ये स्टॉक लगभग दुगना हो चुका है। ईयर टू ईयर रिटर्न दिया है -31.99%, 6 मंथ में रिटर्न दिया है 117.65%, 1 मंथ में रिटर्न दिया है -11.90%, और 5 डेज में रिटर्न दिया है -10.63%, 1 डे में रिटर्न दिया है -4.64%। दोस्तों, हम आ गए हैं इसके वेबसाइट पे, यहाँ पे और डिटेल एनालिसिस करेंगे सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड का। दोस्तों, कंपनी के बारे में जानते हैं। सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड यूरोप एंड ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन USA। ये जो कंपनी है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, आप तो इसके बारे में जानते ही होंगे। हमारे घरों में जो पानी की जो टंकियाँ लगती हैं बेसिकली सिंटेक्स की होती हैं, ज़्यादातर सिंटेक्स की यूज़ की जाती हैं, तो हर किसी के घर में ये सिंटेक्स की टाकी जरूर मौजूद होगी। तो कंपनी के बारे में जानते हैं। तो सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ये कंपनी प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है इंडिया में और यूरोप में और USA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उसको ये करती है, सेल भी करती है, बेचती भी है। ले चलते आप लोग को इसकी वेबसाइट पर। वेबसाइट खुलने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। तो उसमें वेबसाइट है सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड की, जैसा कि देख पा रहे हैं काफ़ी शानदार वेबसाइट बनाई इन्होंने। एक्टिव थिंकिंग मल्टीप्लाइंग चेंज फॉर ए बेटर वर्ल्ड, काफ़ी शानदार वेबसाइट है इनकी। एक बार हम देखते हैं, प्रेजेंस इन 9 कंट्रीज स्प्रेड ओवर 4 कॉन्टिनेंट्स, 4 महाद्वीप में ये कंपनी फैली हुई है और 9 देशों में इनका बिजनेस है, इनका व्यापार है। यहाँ वेबसाइट पे सब पूरी जानकारी दी गई है उनके बारे में, वो VR वॉट वीडियो प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स हम देखते हैं एक बार। वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन है, ये देखिए इनके प्रोडक्ट्स हैं। काफ़ी चेंजेस लेके आ रहे हैं ये समय के साथ में, और जो कि ज़रूरी भी है, परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। जिसने परिवर्तन कर लिया वो अपने आप को ग्रोथ कर गया, उसकी उसने बढ़त हासिल कर ली। देखिए वाटर स्टोरेज सॉल्यूशंस है जो कि छतों टेरेस पे लगाई जाती है, पानी की टंकी है, वहाँ पे सिंटेक्स की टाकी यूज़ होती है, डस्टबिन भी बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एंड SMC प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं इनके, पानी की टंकी है, इंडस्ट्रियल पानी की टंकी बनाते हैं, इंटेरियर्स भी बनाते हैं, ये BAPL है, काफ़ी शानदार प्रोडक्ट्स हैं इनके। और इनकी जो ऑफिस है वो कैनॉल गुजरात में स्थित है, गुजरात मॉडल तो हर किसी को पता है, तो गुजरात में इनकी ऑफिस है और काफ़ी अच्छा इनका बिजनेस मॉडल है। ले चलता हूँ आप लोग को वापस स्क्रीन नियर वेबसाइट पे, आपको और जानकारी चाहिए वेबसाइट पे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी जो मार्केट कैप है 588 करोड़ की है, इसकी मार्केट कैप मोर देन 100 करोड़ है, तो ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। जो करंट प्राइस है 9.25 रुपीज़ की है, इसका जो 52 वीक हाई है 16.1 रुपीज़ का, 52 वीक जो लो है 2.90 रुपीज़ का है। इसकी जो बुक वैल्यू है 7.28 रुपीज़ की है, अपनी बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा ट्रेड कर रहा है। इसकी जो डिविडेंड यील्ड 0 की है, ROC 0 की है,
आरओई जो है -56.1% की है, इसकी जो फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ की है। दोस्तों ये चार्ट है सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड का। जैसा कि देख पा रहे हैं पिछले एक सालों में स्टॉक ने काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। प्रॉस चेक करते हैं, कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी ने अपना कर्जा कम किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसी उम्मीद है कंपनी अच्छा क्वार्टर प्रोड्यूस करेगी। डिबिटर्स डेज है इम्प्रूव फ्रॉम 105.90 टू 76.28 डेज। कंपनी का जो डिबिटर्स डेज है वो इम्प्रूव हुआ है, 105.92 से कम हो गए, 76.28 डेज का रह चुका है। कॉन्स चेक करते हैं, कंपनी हैज़ लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी का जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लो है, कम है। प्रमोटर होल्डिंग लो 12.21%, कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, 12.21% की है। कंपनी हैज़ ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ -23.59% फॉर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है लो रहा है, -23.59% का रहा है। कंपनीज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सीम्स हाई, ऐसा लगता है कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 सालों में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, -21.53% की है। पीयर कंपनी चेक करते हैं, कंपनी जो काम करती है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के सेक्टर में काम करती है, इसकी जो इंडस्ट्री है प्लास्टिक प्रोडक्ट्स की है, इस सेक्टर में जो नंबर वन कंपनी है एस्टर है, देन सुप्रीम इंडस्ट्रीज, उसको फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, देन प्रिंस पाइप्स है, उसके बाद रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज है, देन नील कमल लिमिटेड है, उसके बाद जैन इरीगेशन, नंबर एट पे सिंटेक्स प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड है। हम सब क्वार्टर रिजल्ट चेक करते हैं, मार्च 2019 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी -10 करोड़ की थी, और दिसंबर 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -22 करोड़ की है। कंपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में चेक करते हैं, मार्च 2017 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 420 करोड़ की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है -651 करोड़ की है। तो कंपनी जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 ईयर्स -46%, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर कोई जानकारी, स्टॉक प्राइस CAGR 3 ईयर्स -90%, 1 ईयर में 198%, रिटर्न इक्विटी 3 ईयर्स -24%, लास्ट ईयर में -56%। बैलेंस शीट चेक करते हैं, मार्च 2017 में जो इसकी टोटल एसेट थी 8939 करोड़ की थी, और सितंबर 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 4213 करोड़ की। कंपनी जो टोटल एसेट्स है वो बड़ी हुई है। कैश फ्लो चेक करते हैं, मार्च 2017 में जो इसका नेट कैश फ्लो था 173 करोड़ का था, और मार्च 2020 में जो नेट कैश फ्लो है 3 करोड़ का, कंपनी नेट कैश फ्लो में गिरावट आई है। रेशियो चेक करते हैं, मार्च 2018 में जो इसकी ROC थी 7% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है 0% की है, ROC में गिरावट आई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं, दिसंबर 2018 में प्रमोटर्स के पास 33.74% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में प्रमोटर्स के पास 12.22% शेयर्स हैं। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग में गिरावट आई है, दिसंबर 2018 में प्राइस पर 15.73% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में FIs के पास 0.10% शेयर्स हैं। FI की शेयर होल्डिंग में गिरावट आई है, दिसंबर 2018 में DI के पास 1.32% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में DI के पास 0.19% शेयर्स हैं। DI की शेयर होल्डिंग में गिरावट आई है, दिसंबर 2018 में पब्लिक के पास 49.21% शेयर्स थे, और सितंबर 2021 में पब्लिक के पास 87.49% शेयर्स हैं। पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दोस्तों ने एनालिसिस किया सिंटेक्स प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड का। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है। किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।